दोस्तों, यदि आपके भी हाथ पैर सुन होते हैं या सोते हैं तो हो जाएं सावधान और करेंगे इलाज। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल जिस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल हो गया है उसमें कब कौन सी बीमारी हो जाए कोई नहीं जानता। डॉक्टर भी ये मानते हैं कि आजकल बिना किसी प्राथमिक संकेत के लोगों में अचानक गंभीर बीमारियों के लक्षण पाए जा रहे हैं। इन सब बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा और सरल उपाय अपना खान पान हेल्दी रखें और रेगुलर योग और व्यायाम करें। कई लोगों को बैठे बैठे हाथ पैर सोने की यानी कि सुन होने की समस्या होती है। इतना ही नहीं, सुन हाथ या पैर में झनझनाहट, जलन, तेज दर्द और कमजोरी भी महसूस होती है। ये बहुत ही आम समस्या बन गई है और हम में से लगभग सभी को कभी कभी इसका अनुभव भी जरूर होता है। अक्सर दोस्तों, जब हमारे हाथ या पैर पर बहुत ज्यादा वजन होता है या हम भीड़ भरे वाहनों में सफर करते हैं, उस वक्त हमें हाथ पैर का सुन होना महसूस होता है। कभी कभी अगर ऐसा होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो कहते हैं ना कि अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। फिर यह तो एक शारीरिक समस्या है। जिन लोगों को अक्सर ऐसा महसूस होता है उन्हें थोड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इससे और भी काफी बीमारियां हमारे अंदर आ जाती हैं। ये समस्या अक्सर तब होती है जब हाथ पैरों पर दबाव, तंत्रिका में चोट यानी नर्व में कहीं चोट लग गई है, ठंडी चीज का ज्यादा सेवन कर लिया है या फिर अधिक शराब पी ली है, धूम्रपान का सेवन कर लिया है, डायबिटीज है यदि किसी को, या फिर थकान रहती है, या विटामिन बी की कमी है, या मैग्नीशियम जैसे ये पोषक तत्व होते हैं इनकी कमी से भी ऐसा होता है। इसके अलावा ये कई बड़ी और गंभीर बीमारियों का संकेत भी हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ी सावधानी बरती जाए तो इस समस्या से छुटकारा भी पाया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या घरेलू उपचार है जिनको अपनाकर आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, सिकाई करके आप हाथ पैरों को सोने से बचा सकते हैं। एक साफ कपड़े को गर्म पानी में भिगोकर 5 से 7 मिनट के लिए प्रभावित जगह को सेकें, यानी आपके हाथ सोते हैं या पैर सोते हैं उनको आपने सेकना है गर्म पानी में कपड़ा भिगोकर। जैतून, नारियल या सरसों के तेल से आप मसाज करें, इससे भी काफी आराम मिलता है। इन तेलों की मसाज शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जिससे आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से रहेगा और आपका जो हाथ या पैर है वो नहीं सोएगा। नियमित रूप से आप एक्सरसाइज जरूर करें, हाथ पैरों को सुन होने से इससे रोका जा सकता है। एक्सरसाइज करने से और भी कई समस्याओं में फायदा मिलता है। हल्दी और पानी के पेस्ट से भी आप हाथ पैरों को सोने से बचा सकते हैं। हल्दी और पानी के पेस्ट से आपने अंगों में मसाज करनी है, इससे आपके हाथ पैर नहीं सोएंगे, ना ही उनमें झनझनाहट होगी। एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच आपने दालचीनी पाउडर का मिला लेना है और इसका नियमित रूप से सेवन करना है, या फिर आप एक चम्मच दालचीनी पाउडर को थोड़ा सा शहद लेके उसमें मिलाएं। इसको आप नियमित रूप से कुछ हफ्तों तक ले, ऐसा करने से भी आपको काफी आराम मिलेगा। आपकी जो अंदर की नस है वो अच्छी तरह से काम करेगी और ब्लड सर्कुलेशन सही से रहेगा। और अगर ब्लड का फ्लो सही रहेगा यानी ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो आपको जो हाथ पैरों में झनझनाहट है, हाथ पैर सो जाते हैं, वो सब नहीं होगा। दोस्तों, आप भी आज से ही इन बातों का जरूर ख्याल रखें और यदि आपके हाथ पैर सोते हैं, झनझनाहट होती है उनमें, तो इन उपायों को जरूर आजमाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी दबा देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।